नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चुनाव की सरगर्मियां तेज होकर संपन्न हो चुकी है। किसान भाइयों ने अपने अपने उम्मीदवार भी चुन लिए हैं। इसी कड़ी में खास मुलाकात में देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। लगातार जो चुनाव की सरगर्मियां थी तेज होकर संपन्न हो चुकी हैं। किसान भाइयों ने अपने अपने अध्यक्ष भी चुन लिए, लगातार इनका जनसंपर्क भी जारी था। लगभग 20 साल से ये सेवा भी कर रहे हैं किसान भाइयों की। आज हमारी टीम लगातार पहुंच चुकी है ग्राम सेवा सहकारी समिति पिपेरन। यहाँ से बिल्कुल प्रतिपाल जी सारण, उनसे आज खास बातचीत की जाएगी। क्या विकास के मुद्दे थे, क्या इनके एजेंडे रहेंगे? सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, पूरा परिचय। मेरा नाम पृथ्वीराज सारण है, गाँव राजपुरा पिपेरन है, तहसील सूरतड़े, जिला गंगानगर है। सर, राजनीति परिचय जानना चाहूंगा, फर्स्ट बार चुनाव फाइट किया है, इससे पहले भी कोई चुनाव फाइट? मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूं सर। पहली बार? हाँ जी सर, पहली बार चुनाव लड़ा है। कितने वोट से जीत हुई थी और सदस्यों को चुनाव किस प्रकार हुए थे? सदस्य का चुनाव हमारे निर्विरोध हुए थे जी, और अध्यक्ष के उपाध्यक्ष का भी निर्विरोध हो गया। अध्यक्ष के लिए हमने दो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे जी, उसमें मैं एक वोट से जीता हूँ, मेरे को 4 वोट मिले और मेरे विपक्ष में उसको 2 वोट 3 वोट मिले हैं। तो सर, फर्स्ट बार चुनाव था, अच्छा रुझान मिला था जनता का, किस प्रकार, क्योंकि लगातार आप सर्वे कर रहे थे, गांव गांव ढंडगण जा रहे थे, जनसंपर्क भी जारी था, किस प्रकार किसान भाइयों का आपको प्यार मिला, क्या रुझान मिला? देखो जी, मैं 20 साल से परचून की दुकान कर रहा हूँ पिपेन गांव के अंदर जी। ये 20 साल से मेरा आज तक कोई किसी प्रकार का किसी के साथ दुबांत नहीं हुआ है, विवाद नहीं हुआ है। और सभी गाँव वाले ये सोच रहे हैं भी अपने को कोई सिग्नेचर कराना है तो ये लड़का गांव की दुकान के अंदर परसून के 24 घंटे अपने गांव में गलियों के अंदर ही मिलेगा। ये पहला मेरा रीज़न है जी। तो दक्षा, बात करें, क्योंकि किसान भाइयों को सबसे जो मुख्य समस्या आ रही है, खाद बीज डीएपी की बड़ी किल्लत आ रही है, आपके लगातार से 10 साल से परेशानी चल रही हो, क्योंकि दक्ष तो पूर्व में भी रह चुके हैं, पर धरातल पर देखा है सर, ना प्लेट का दक्ष होना जाता है, इस बार जनता ने मौका दिया तो किस प्रकार जवाब मिलेगा? मैं पूरा प्रयास करूँगा जी, मेरी तरफ से कोशिश करूँगा, खाद बीज जो भी है यहाँ मिलेगी चीज़, उसको मैं पूरा मेरा सहयोग रहेगा जी। कितने टाइम से सर बंद पड़ी है आप खाद? ये 10 सालों से खाद बीज यूरिया डीएपी बंद पड़ी है जी। अच्छा, तो मतलब किसान भाई कहाँ जाते हैं लेने के लिए सर? इतना दूर सूरतगढ़ जाना पड़ता है जी, एक कट्टा लेना है तो भी सूरतगढ़ जाना पड़ता है जी। अच्छा सर, उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाएगा इस बार? अब बस 5-10 दिन के अंदर अंदर हमारा या तो लसस हो जाएगा, नहीं तो हम अपने पर्सनल पैसे से एक बार गरीब आदमियों को एक एक दो दो बैग हम वितरण करेंगे। तो दक्षा, बात करें, क्योंकि कृषि यंत्र की, इसमें भी कई किसान सक्षम होते हैं, कई किसान सक्षम नहीं होते, तो कृषि यंत्र की किस प्रकार व्यवस्था की जाएगी सोसाइटी के अंदर सर? कृषि यंत्र तो यहाँ पर अब कोई है नहीं जी, कोई ट्रैक्टर का कोई साधन नहीं है जी, तो ये तो कोई आगे की बात है जी। आगे मेरे पास कोई पैसे मिलेंगे फंड में तो मैं आगे जरूर प्रस्ताव दोगे? हाँ बिल्कुल, प्रस्ताव देंगे लिख के, और मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे उसमें तो हम कृषि भी यंत्र यहाँ लगाएंगे जरूर। तो सर, बात करें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का बड़ा फोकस होता है, बड़ी कल्याणकारी योजना आती है किसान भाइयों के लिए, धरातल पर देखा है, पर देखा है सर, अध्यक्ष अवस्थापक के द्वारा कागजों में समेट दी जाती है, किसान भाइयों तक पहुँच नहीं पाती, इस बार जनता ने बड़ी सौगात दी है सर, किस प्रकार मिलेगा? मैं एक एक पैसे का पूरा हिसाब दूंगा, हर प्रत्येक गरीब आदमी को पैसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा यहाँ जो भी सरकार की तरफ से हमारे पास योजना आएगी, कोई लोन वितरण की जो भी, तो हम प्रत्येक मीटिंग एक महीने के अंदर 2 मीटिंग रखेंगे, एक 5 तारीख की डन होगी और एक 20 तारीख की डन होगी, आम सभा की मीटिंग होगी, इसमें सब सबके सामने जो भी काम होगा वो बिल्कुल सामने होगा। किसान भाइयों कितने खाते हैं सर सोसाइटी के अंदर? हमारे यहाँ लमसम 350-450 खाते हैं जी। ठीक है, तो सर बात करें, खाद बीज का टर्नओवर कितना हो जाता है सम लमसम साल का यहाँ? यहाँ साल में कम से कम मान लो 10-12 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है जी, यूरिया डीएपी के दोनों। 20 साल से ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, बढ़िया। ठीक है, तो सर सोसाइटी को एफटी वगैरह है कोई? हाँ एफटी बिल्कुल है, यहाँ 60 लाख की एफटी है फिलहाल। एफटी के अंदर 3 लाख की सूरतड़ सहकारी वो बैंक में जमा है हमारे, बाकी 57 लाख रुपये अभी तक किसी के पास, पता नहीं किसके पास है, वो हम अभी निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई कहानी का पता नहीं लगा सर? हाँ अभी तक मैंने खाली एक बार चार्ज लिया है, वो चार्ज लेने के बाद में 5 दिन उसने व्यवस्थापक ने 5 दिन मांगे हमारे से, 5 दिन के अंदर अंदर जो लेखा जोखा है वो अपने रिकॉर्ड है वो हमारे पास पेश करेंगे सर। तो हमारे साथ जो उनके प्रतिनिधि है वो भी बैठे हैं ग्रामवासी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है, बताइए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सर पूरा नाम आपका पूरा परिचय सर। मेरा नाम कुंभाराम है सर, कुंभाराम बाबू। बाबू साहब आपने कैंडिडेट चुना है, बिल्कुल जनता ने भी कैंडिडेट चुन दिया है, तो पूरा आपको आत्मविश्वास है कि कार्य होंगे बिल्कुल जो जनता के हित में कार्य होंगे। बिल्कुल सर, हमने गांव में जो भी सबसे सक्षम आदमी था ठोक बजा करके और गांव को साथ लेके चलने वाला प्रतिनिधि हमने चुना है। किसी तरह का ये भेदभाव नहीं करेगा, हमें ये आत्मविश्वास है भी सबको साथ लेके चलेगा और गांव को जो भी सुविधाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो अच्छी तरह से उपलब्ध करवाएगा। बाबू जी बात करें देखा धरातल पर, अध्यक्ष तो पूरे में भी रह चुका पर नाम प्लेट के अध्यक्ष चुने जाते थे क्योंकि धरातल पर कार्य नहीं हो पाए। किसान भाई आज भी परेशान है, लगातार उनको लाइन में लगना पड़ता है, आज भी धक्का मुक्की होती है, व्यवस्थापक के अध्यक्ष के द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो सर क्या कहानी है, इस बार एक नया कैंडिडेट चुना था बिल्कुल बड़ा आत्मविश्वास जताया। ये आपकी सही बात है कि जो भी हम अध्यक्ष चुनते हैं वो गाँव हमेशा अपने अच्छा आदमी देख के चुनता है, लेकिन जो पिछला कार्यकाल रहा वो उनकी कार्यकारिणी जो गठित थी उनका और अध्यक्ष का आपस की समन्वय न होने की वजह से उसका खामियाजा गांव को भुगतना पड़ा। लेकिन हमें आशा है इस बार ऐसा नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से सबको विश्वास में लेके अपने कार्यकारिणी को साथ लेके और ऊर्जावान युवा हमने अध्यक्ष चुना है, तो ये हमें ज़रूर ऐसी आशा है भी ये हम आगे मुकाम तक पहुँचाएगा। तो सर और क्या समस्या आ रही थी, बिल्कुल आपका भी सर्वे जारी था किसान भाइयों के बीच में आ रही थी समस्या। ऐसा है सर, पिछले 10 सालों से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं हो पाया है, तो पहली प्राथमिकता तो हम अध्यक्ष साहब से निवेदन करेंगे कि पहले तो हमारा लाइसेंस जो है वो बने सोसाइटी का और खाद बीज वितरण होना शुरू हो। तो सबसे पहले छोटे जो किसान हैं सबसे ज़्यादा उनकी समस्या रहती है, तो छोटे किसानों की सबसे पहले उसकी समस्या का समाधान करें। और काफ़ी पैसा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, पहले भी FDR वगैरह उनका ऑडिट करवाना और जो भी है लेखा जोखा वो गांव के सामने बिल्कुल पारदर्शी रूप से गांव के सामने पेश करना, यही प्राथमिकता अध्यक्ष की रहेगी। सर बात करें जब चुनाव होते हैं या अध्यक्ष मान लो या विधायक मान लो सरपंच मान लो किसी भी पद को मान लो, जब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जब गरीब जनता परेशान होती है, गरीब कोई परेशान ज़्यादा होता है क्योंकि उस टाइम पहुँच नहीं पाते, क्या कारण है सर, प्रतिनिधि क्यों नहीं पहुँच पाते, क्या कहानी है सर, क्योंकि आपको विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं आपको बता। देखिए सर ये तो होता रहता है, राजनीतिक परिवेश से जो आते हैं या हमेशा जो कुछ परिवारों से ही आते हैं तो वो बाहुबल के हिसाब से, और जो काम करने वाला उसको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें काफ़ी धन का बोलबाला रहता है, इस वजह से जो काम करने वाला उनको मौका नहीं मिलता, जो बाहुबली है वो टिकट में भी तो अपना वो बड़ा मुकाम रखते हैं, तो आम जनता उसी वजह से रहती है। लेकिन ये तो छोटा सर्किल है इनका अध्यक्ष का, तो ये अच्छी तरह से इसको निभाएंगे क्योंकि काफ़ी कम एरिया होता है इनके पास, तो अच्छी तरह से अपना किया जो ये पद का है जो उपयोग करेंगे। तो सर बात करें सोसाइटी की, देखा कई सोसाइटी देखी आसपास की, देख लो सर भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गई, तो आपकी सोसाइटी का सर किस प्रकार हाल है, क्या कहानी है पूरी? नहीं सोसाइटी का तो वही हाल है जो लगभग सोसाइटियों का हाल रहता है, लेकिन हम चाहेंगे इससे सबसे पहले जो ऑडिट हो हमारी और हमारे पास क्या है, कितनी पूंजी है, उस पूंजी से जो कम है तो हम आर्थिक रूप से कुछ भामाशाह लोग हैं उनका अगर सहयोग लेना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे किसानों को इसका लाभ जरूर मिले इसकी हम आशा करेंगे। सर बात करें सोसाइटी की, 4 दीवारी या कोई हॉल की व्यवस्था और क्या बढ़िया कोई रूम की सर अंदर? बिल्कुल हमारे बहुत बड़ा हॉल बन रखा है, 4 दीवारी भी है, बिल्डिंग के मामले में हमारा सक्षम है, कोई कमी नहीं है, और किसानों के लिए भी अगर स्टोरेज का कुछ अन्न भंडारण के लिए भी भंडार की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष नहीं था, पिछले कोरोना काल में पूर्व अध्यक्ष थे उनका देहांतवास हो गया, तो अभी ठीक ढंग से ये सुचारू रूप से चलेगा हमें आशा है ऐसी। सर जनता से क्या अपील करना चाहते हो, जनता के किस प्रकार कार्य होंगे सर चैनल के माध्यम से? जनता से यही अपील है, हमने जो नया अध्यक्ष बनाया है इसका हम पार्टीवादी से ऊपर उठ के और इसका पूरा सहयोग करें अध्यक्ष का, तो इसका लाभ हमें भी मिलेगा और सोसाइटी को मिलेगा, और जो पैसा होगा वो जो सदस्य है उनको भी उसका लाभ जो भी होगा उनके उनको भी मिलेगा इसका। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अध्यक्ष जी बात करें लगातार आप जनसंपर्क भी आपका जारी था, जनता के बीच में भी जा रहे थे क्योंकि जनता ने आपको बड़ी सौगात देकर सीट पर विराजमान कर दिया है, चैनल के माध्यम से जा रहे लोग लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या बधाई संदेश देना चाहते हो जनता को सर? मैं सभी जनता को बधाई देना चाहता हूँ जी। तो सर अध्यक्ष आप 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब सारण जी, जिन्होंने बताया इस बार जनता ने मुझे मौका दिया, जो कार्य किए जाएंगे बिल्कुल जनता के हित में कार्य किए जाएंगे। बात करें कृषि यंत्र की जो व्यवस्था नहीं है वो भी व्यवस्था की जाएगी। तब तक जुड़े रहे हमारे भारत टीवी के साथ, कैमरामैन जीत के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।